सर मेरे को ये जानना था कि ये गोल्ड FOF जो होते हैं ये क्या होता है, और अगर मुझे इसमें रेगुलर SIP की तरह मैं इन्वेस्ट करता हूँ बेटी की मैरिज के लिए, जबकि आज मेरी बेटी की एज है 5 साल, तो मैं रेगुलर मंथली SIP करता हूँ एक तरीके से गोल्ड FOF में, तो ये किस तरीके से बेटर रहेगा और क्या इसमें टैक्सेशन का क्या प्रोविजन रहता है? जी मेरी सलाह होगी कि आप, मैं एक्सप्लेन कर देता हूं क्या होता है। गोल्ड फंड जो है, जो प्योरेस्ट फॉर्म है कि आप सोना खरीदिए, दूसरा तरीका है कि गोल्ड ETF खरीदिए। गोल्ड ETF खरीदने के लिए आपको, जैसे आप शेयर खरीदते हैं उस तरह से आप अपने स्टॉक ब्रोकर को बोलते हैं कि आप हमारे लिए गोल्ड ETF खरीदिए, तो इसके लिए डीमैट अकाउंट ब्रोकर के पास जाना, ऑर्डर प्लेस करना, और गोल्ड ETF का दाम सोने के दाम के आधार पर बदलता रहता है। और गोल्ड ETF कुछ भी नहीं है, जो भी गोल्ड ETF है वो गोल्ड खरीदता है, अंडरलाइंग उसका गोल्ड है। यहाँ पे डाइवर्सिफिकेशन की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब आप कोई इक्विटी फंड खरीद, कोई इंडेक्स फंड खरीदते हैं, निफ्टी ETF खरीदते हैं, तो उस फंड में 50 शेयर उसी अनुपात में, उसी रेशियो में, उसी वेट में होता है। गोल्ड में तो सीधा गोल्ड होता है, वो फंड सोना खरीदता है और आप उसको एक स्टॉक ब्रोकर के जरिए उसका प्रोपोर्शनेट ओनरशिप खरीद पाते हैं। लेकिन इसके ऊपर एक गोल्ड फंड ऑफ फंड, जो कि गोल्ड ETF खरीदता है, लेकिन आप उसको एक आम म्यूचुअल फंड की तरह खरीदते हैं, और वो फंड, तो यहां पे दो बार खर्चा लगता है, एक गोल्ड ETF का खर्चा है और इस गोल्ड फंड ऑफ फंड को चलाने का जो आधा प्रतिशत खर्चा है या 25 बेसिस पॉइंट खर्चा है, वो भी खर्चा लगता है। मुझे लगता है कि आपके 5 साल की बेटी के लिए अगर आप सोने के लिए खरीदना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि सोना एक बहुत अच्छा निवेश का विकल्प नहीं है। पिछले 10 साल में सोने से रिटर्न कोई खास नहीं मिला है। 8-9 साल पहले सोने में एक बड़ा उछाल आया था, और जब जब बाजार में बहुत अनिश्चितता होती है तो सोने का दाम बढ़ जाता है, और उस वजह से सोना का, गोल्ड ETF का भी दाम बढ़ जाता है। लेकिन लंबे समय में ये महंगाई को बेयरली मैच कर पाया है, बल्कि 10 साल पहले कुछ अजीबोगरीब एक बहुत ही प्रॉफिटेबल कोइंसिडेंस हुआ था, जिस वजह से सोने में भारी उछाल देखा गया था। एक तो दुनिया ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 का, जिसमें कि इक्विटी मार्केट में भी बदहाली देखी गई और फिक्स्ड इनकम मार्केट में भी, और उस अनिश्चितता में सोने का दाम काफी बढ़ा। वो एक सेफ हेवन माना जाता है कि यहां पैसा भले ही नहीं बढ़े, गिरेगा नहीं, और यही सोने का वैल्यू है। दूसरा एक और कोइंसिडेंस हुआ था कि उसके तुरंत पहले गोल्ड ETF और ये सब गोल्ड बेस्ड डेरिवेटिव की शुरुआत हुई थी, उस वजह से एक बहुत वन टाइम एक बड़ा गोल्ड का डिमांड क्रिएट हुआ था। दुनिया भर में गोल्ड ETF बिकने शुरू हुए, लोगों के लिए पहली बार ये विकल्प हो पाया कि वो फाइनेंशियल फॉर्म में गोल्ड खरीद पाएं, जो कि गोल्ड के दाम को रेप्लिकेट करता है। इस वजह से वो जो डिमांड क्रिएट हुआ था, तो ये डिमांड का क्रिएट होना और एक बहुत बड़ी बाजार में अनिश्चितता हर बाजार में होने की वजह से सोने के डिमांड में, जो कि पिछले 9-10 साल में वो मॉडरेट होता गया है। अगर आप देखें कि बाजार में अक्सर सोना 5% बढ़ जा रहा है, पिछले 2 सप्ताह पहले 5% बढ़ा था और 3 महीने पहले भी, लेकिन पिछले 3 साल में सोने में किसी तरह का रिटर्न नहीं मिला है, पिछले 5 साल में भी रिटर्न नहीं मिला है, 10 साल में शायद ये 8-9% का रिटर्न दे पाया है, जिसमें कि एक बहुत बड़ा साल था जिसमें सोना 30% बढ़ा था। तो इस तरह के उतार चढ़ाव में मुझे लगता है कि अगर आपको अपने बेटी को सोना देने के लिए या गोल्ड खरीदने के लिए उसके शादी के समय अगर पैसे की जरूरत है, तो इक्विटी फंड में SIP कीजिए, और अगर आप 15-20 साल तक इक्विटी फंड में, अगर आप एक अच्छे इक्विटी फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, तो उस समय जब आपको सोने की जरूरत होगी, उस फंड को बेच करके आप ज्यादा सोना खरीद पाएंगे, इसके बजाय कि आप सोने गोल्ड ETF में पैसे लगाएं।